कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। उडारिया सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई इस बार आलिया जो है वो ब्लैकमेल कर रही है मेहर और हानिया को लेकर, आसमा को बार बार वो ब्लैकमेल कर रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि भाई अभी तक मेहर और हानिया जो है उसके कब्जे में है। और यहाँ पर आलिया बार बार आसमा को ब्लैकमेल कर रही है और उसे कहती है कि उसे रानो यानी कि अरमान की माँ को हंटर से मारना होगा और तब तक मारना होगा जब तक वो उसके घुटने ना टेक लिया आलिया के सामने और माफी ना मांगे। इसी के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई वो उल्टी गिनती शुरू करती है और कहती है कि अगर तुम मेरे दस्तक गिनने तक नहीं मारती हूँ अपनी माँ को तो यहाँ पर तुम्हारी दोनों बेटियां जो है वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली जाएंगी। तो भाई कहानी में इस बार हम एक नया ट्विस्ट देख रहे हैं जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई ऑलरेडी अपनी दोनों बेटियों को बचा लिया है और यहाँ पर आसमा जो है हंटर से उल्टा आलिया को ही मारने लगती है और आलिया यहाँ कहती है कि भाई तुम्हें अपनी बच्चियों की जान की परवाह नहीं है क्या, मैं तुरंत ही अभी उन्हें मरवा दूंगी। लेकिन भाई यहाँ पर आलिया को पता नहीं है और यहाँ पर हमें कि भाई आसमा ने इस बार बल्ली की मदद से अपनी दोनों बेटियों को बचा लिया और इसी के साथ इस बार बल्ली भी आसमा का हेल्प कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बल्ली कहता है कि भाई सही समय पर आसमा ने मेरी आंखें खोल दी और मैंने आलिया का साथ इसलिए दिया क्योंकि मेरे अंदर नफरत की भावना भर गई थी अरमान को लेकर, लेकिन अब उसे उसकी आंखें खुल गई है और उसे रियलाइज हो चुका है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाले कि भाई अरमान ने सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया है आलिया की, आलिया ने अपने मुंह से अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया और ये रिकॉर्ड जो है जो भी रिकॉर्डेड वीडियो और ऑडियोज हैं इस बार अरमान जो है वो पुलिस वालों को दिखाने वाला है और इसी प्रूफ के जरिए वो इस बार आलिया को जेल भेजेगा। इसी के साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई आलिया मौके का फायदा उठाते हुए रानो के गले पे चाकू रखेगी और इसी के साथ वो बड़े ही चालाकी से इस घर से भाग तो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अरमान और राजा जो है दोनों मिलकर जाएंगे आलिया को पकड़ने के लिए। लेकिन भाई आलिया इतनी शातिर है कि इस बार आलिया जो है अरमान और राजा के हाथों नहीं लगती और घर वालों के मन में ये घबराहट अब हर दिन चलती रहेगी कि भाई जब तक आलिया पकड़ी नहीं जाती पुलिस वालों से। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई इस बार आसमा जो है मेहर को सारी सच्चाई बता देती है, वो कहती है कि भाई अब मुझे पता है कि तुमने कब जन्म लिया था, तुमने कहाँ से जन्म लिया था। और इसी के साथ यहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई मेहर को सारी सच्चाइयाँ पता चल गई, उसे पता चल गया है कि उसकी अपनी सगी माँ कोई और नहीं बल्कि आसमा है और उसके माँ बाप जो है वो अरमान और आसमा है। इसी के साथ उसे ये भी पता चलता है कि हानिया और मेहर जो है दोनों सगी बहनें हैं और दोनों काफ़ी खुशी खुशी रहने भी लगते हैं। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई दोनों का बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है, यहाँ पर सभी घर वाले काफ़ी खुश हैं। इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई यहाँ पर आलिया जो है दोबारा से एंट्री लेने वाली है घर में और इस बार हमारी आसमा मैडम की जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा है, जो कि आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार आलिया ने आसमा को बिल्डिंग से लटका दिया है। अब आगे आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार अरमान अपनी आसमा को बचा पाता है या नहीं।